इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राशिफल। कैसा हो अगर आपको पता चल जाए कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, तो चलिए इसी से रिलेटेड आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एस्ट्रोलॉजर और इटर्नल सॉल्यूशन की ऑनर नेहा जी गुप्ता जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम आप बताइए कि आज हमारे जितने दर्शक हैं उनका दिन कैसे जाने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी स्टार्टिंग की पहली राशि मेष राशि से। आज आपका दिन अच्छा नहीं होने वाला, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो कि एक के बाद एक आएंगी। प्रॉब्लम्स छोटी छोटी होंगी बट द गुड थिंग इज़ कि आप उनको कंट्रोल करने में पूरे सक्षम हैं आप, क्योंकि यू आर ऑन द टॉप। तो अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप उनको बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे और ओवरकम करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपको इसका सोल्यूशन करना है कि आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आप इसको जल्दी से और थोड़ी सी टेंशन्स कम लेके आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, तो आप आज के दिन तंदूरी रोटी बना के, मीठी रोटी जो कि तंदूर में पकती है, उसको मल्टी कलर डॉग्स को खिलाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा इन प्रॉब्लम्स से। अब बात करते हैं हमारी वृषभ राशि से। वृषभ राशि, आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज का दिन आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। कुछ लोग आपके लिए, आपसे हेल्प लेने के लिए आएंगे। अगर आप उनकी मदद कर देते हैं तो आपके लिए वो दिन उनके लिए एक यादगार दिन बन के रहेगा और वो हमेशा आपको लाइफ में एज अ स्टार, एज अ गार्जियन की तरह देखेंगे और आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज का दिन अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए आता है तो आप इसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, मगर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि उसमें बैलेंस ज़रूर रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप इमोशनली या फाइनेंशियली इतने बह जाएं उस चीज़ को करने के चक्कर में कि आप अपना ही बैलेंस खो दें, आपको उसकी वजह से आपको पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। अदरवाइज़ द कार्ड इज़ वेरी गुड। अगर आज आप कुछ अच्छा करते हैं या कुछ भी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। रिलेशन वाइज भी आज आपका दिन बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि की। बहुत अच्छा दिन है। अगर आप किसी नए काम के लिए निकल रहे हैं तो आज आप उसको पूरा कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। अगर आप किसी रिलेशन वाइज अगर देख रहे हैं किसी चीज़ के लिए, रिश्ते को अगर हम देखें, तो उसके लिए भी आज का दिन आपका अच्छा है। अगर आप आज किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि आपके साथ आज के दिन भगवान का आशीर्वाद है। तो आपको जो भी आप काम करें उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे आगे बढ़िए और करने की कोशिश करिए, रुकिए मत। अगर आप रुकेंगे, आज का दिन गवाएंगे, वेस्ट करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके सामने चॉइसेस आने वाली हैं। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो आपके सामने बिज़नेस में भी चॉइसेस आएंगी। आपके सामने वर्क ट्रैवल के चांसेस भी हैं। वर्क ट्रैवल ले लीजिए या ट्रैवल बिज़नेस से रिलेटेड ट्रैवल हो जाए, कुछ भी है, आपका आज का ट्रैवल का दिन शो हो रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं कि आप अपने काम से रिलेटेड या घूमने से रिलेटेड कहीं बाहर जा सकते हैं या कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। काम में आपको या किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे आज के दिन कि ये करना बेहतर है कि वो करना बेहतर है। बस आप वाइजली डिसीजन लेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी और बहुत ही अच्छा दिन आपका रहेगा। इसको और अच्छे से करने के लिए कि आप क्या डिसीजन लें, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो आज का दिन आप दूध का अगर दान करेंगे, क्योंकि आपका चंद्रमा का कार्ड आया है, दूध का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं हमारी सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, बहुत अच्छा दिन है आपका। लोग आज आपको बहुत ही एक हाई स्टेटस
के रूप में देखेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे इसमें शो ऑफ नज़र आ रहा है। शो ऑफ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को, आपके रुतबे को, आपकी इमेज को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। तो आप शो ऑफ ना करें, अपने फाइनेंसेस को एक शो ऑफ के चक्कर में ना वेस्ट करें, क्योंकि जहां आपकी फाइनेंस की बात है, आप उसको अपना शो करने के लिए, अपना एक सिर्फ दिखावा करने के लिए बहुत वेस्ट करते हैं। तो वो ना करके अगर आप अपने ऊपर पर्सनली उसको अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में लगाएंगे, तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। बट आप शो ऑफ ना करें, आज के लिए आपका यही एक मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगी। अब हम बात करते हैं हमारी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपका दिन आया है चॉइसेस का। आज आप अपनी नॉलेज को बिल्कुल गलत डायरेक्शन में यूज़ करने वाले हैं। ऑल दो यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, आपके पास किसी भी नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत ही आप होशियार हैं, बहुत आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, मगर आप उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना यूज़ करके उसको वाइजली यूज़ करेंगे तो आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपने डिज़ायर्स में बांध रखा है और उन डिज़ायर्स से निकलने का सोल्यूशन सिर्फ आपके हाथ में है। तो आप इसके लिए दही का दान करेंगे अगर, तो आपको इसमें बेनिफिट रहेगा। आप अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर पाएंगे, और जिस भी इंसान ने अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर लिया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करके अपने वाइजली डिसीजंस लेते हैं, वो अपनी लाइफ में हर तरह की सक्सेस को पाते हैं। तो जस्ट जो मैंने आपको एक उपाय बताया उसको करें, और करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। नेहा जी गुप्ता हमारे साथ यूं ही बनी रहेंगी, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला मायेर शादी गंधे भरा पारोशे अनन्ना आमादी India's number one basmati rice, Bingasa. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करूंगी। तो नेहा जी, आगे की राशियों के बारे में बताएं। अब हम बात करते हैं हमारी तुला राशि की। तुला राशि वालों, बहुत ही स्ट्रगल का डे है आज। आप पैसा तो बना पाएंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका पैसा तो बना रहे हैं, आप पैसा बनाने के लिए मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो मेहनत है आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है। आप अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज आपका हेल्थ पे मुझे कुछ ना कुछ असर नज़र आ रहा है। मेहनत भी तभी रंग लाती है जब आप अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे या आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो दोनों चीज़ें साथ साथ कीजिए। आप आज के दिन अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो कांसे की कटोरी में ये जो आपका सरसों का तेल होता है उसको थोड़ा सा डाल के उसमें अपना चेहरा देख के अगर आप किसी गरीब को या शनि मंदिर में दान कर देंगे तो आपकी हेल्थ पे जो ये प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं वो आप इसको ओवरकम कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपका वेट करने का दिन है। जो भी काम आपने किए हैं, जो भी चीज़ें आपकी हैं, जो भी डिसीजंस हैं, आज आप उसको ना लें, आज आप उसको पेंडिंग रखें, क्योंकि आज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आज का दिन आपका आ रहा है कि आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने काम में, अगर हम बिज़नेस की बात करें, तो इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि अब आप नहीं चाहते कि उसमें और इन्वेस्ट करें, अब यू वांट कि उसका रिज़ल्ट निकले। तो रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कीजिए, आज का दिन आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आज का दिन आप जस्ट वेट करें और केतु का उपाय करें। केतु का उपाय मैंने आपको पहले भी बताया था, मीठी तंदूरी रोटी अगर आप मल्टी कलर डॉग्स को खिलाएंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल और किए गए उपाय हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जिनको करने से 100% रिजल्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी और आपको बिजनेस में रिजल्ट इसके अच्छे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी धनु राशि की।
धनु राशि वालों, आज का दिन आपका आया है थोड़ा सा मेहनत करने का। थोड़ा सा आज आप परेशान रहेंगे, आपको पैरों में दर्द हो सकता है, आपको पैरों में तकलीफ़ हो सकती है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है। प्लस अगर हम आपके वर्कलोड की बात करें तो आपके ऊपर इस टाइम वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बिजनेस की हो या घर की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आई हुई हैं बहुत ज़्यादा। बट द गुड थिंग इज़ आपने अपना पीस और काम जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है, इसी तरह से अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो आप ये फेस भी ओवरकम कर लेंगे, इस फेस को भी आप पार कर लेंगे और आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। बट आज का दिन आपका थोड़ा सा इसी तरह का निकलेगा कि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसके लिए उपाय ये है कि आप अपने माथे पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगा के रखिए। पैरों में दर्द रहेगा तो थोड़ा सा कोई सरसों का तेल लेकर या कोई भी पीली तेल में आप हल्दी मिला के थोड़ा सा घुटनों पे मसाज करेंगे, अपने पैरों में मसाज करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आपका ये गुरु का कार्ड आया है तो येलो चीज़ों का जितना आप यूज़ करेंगे आज के दिन तो आपको उसका असर बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारी मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज का दिन आपका अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, बुध का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपके विचारों में मतभेद होने वाले हैं। बिजनेस की बात करें या घर में बात करें, आपकी बोलने की वजह से आपके जो जिस तरह से आप अपनी चीज़ों को सामने वालों के सामने लाएंगे या बोलेंगे, वो उस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं आज के दिन। आज के दिन आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़े होने के हैं चांसेस हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप अपने मुंह से बोलें, कोई डिसीजन लें, किसी से बात करें, बिजनेस में हो, अपने वर्कर्स से हो, अपने घर में हो, तो थोड़ा सोच के करिए, अपने आप को देख के संभाल के अपने मुंह से शब्द निकालिए, क्योंकि वो शब्द उन लोगों को कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंचाएंगे जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा और वो रिलेशंस वाइज आपको बिल्कुल ख़राब कर देंगे। तो आज का दिन आप बुध का उपाय करें, अपने साथ हरे रंग का रुमाल रखें या फिर हरे रंग की मूंग की दाल का दान करें, दोनों ही में से कोई भी एक भी उपाय आप करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। बस अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आज आपको आपके हाई ऑफिशियल से या हाई जो आपके उसको किस तरह से कहेंगे, जो आपके हायर लेवल के लोग होते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, अगर जॉब में हैं तो आपके जो बॉस हैं, बिजनेस में हैं तो हाई एंड क्लाइंट्स हो गए, किसी भी तरह का उनसे सपोर्ट मिलने वाला है, उनसे बहुत बेनिफिट होने वाला है। और हो सकता है आज के दिन आप अपने अगर वर्कर्स को जो आपके नीचे आपके अंडर काम करते हैं उनको अगर आप हेल्प करेंगे तो वो आपको फाइनेंशियली बहुत, उनकी दुआएं आपको आज के दिन बहुत लगेंगी। तो आज के दिन आप ज़रूर किसी को फाइनेंशियली हेल्प कीजिएगा तो जितना आप देंगे उससे डबल आपको मिलेगा। इस कार्ड में आज के दिन यही आया है, जितनी आप करेंगे वही बैलेंस होकर उसका दुगना आपको मिलने वाला है। उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस आज का दिन आप अपने पास एक सफ़ेद रंग का चांदी का टुकड़ा रखेंगे, जो भी आप डील्स करेंगे, अपने ऑफिसर से बात करेंगे, बॉस से बात करेंगे, कुछ भी करने के लिए, तो दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। अब हम बात करते हैं हमारी मीन राशि की। मीन राशि वालों, बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा निकलने वाला है, हर तरह से खुशी ही खुशी है। फाइनेंशियल वाइज देखें तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बिजनेस में अगर कोई डील्स हैं, कोई भी काम है, उसका रिजल्ट आपको आज के दिन मिल सकता है। कुछ भी कहेंगे अगर रिलेशन वाइज, घर में फैमिली वाइज बात करेंगे तो भी आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा, बहुत ही सुखमय दिन बीतने वाला है। तो आज के दिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना दिन एंजॉय कीजिए और वेट कीजिए आज का दिन आपका कैसा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी गुप्ता जी कि आपने हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके आज के दिन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग़।